यार ये क्या बात हुई यार, नहीं ना प्लीज प्लीज अरे मुझे प्लीज प्लीज नहीं ऐसे मत करो प्लीज यार, ये तो फॉर्च्यूनर के चक्कर में दूसरी शादी कर लोगे ग्यारह लाख की वैल्यू थी जो दे दी आपको, हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इंट्रोडक्शन में आप मेरे साथ मेरी मम्मा को भी देख रहे हो। आज मेरी मम्मी को एक आइडिया आया है कि अंजलि के ऊपर एक नया प्रैंक करते हैं और इस बार मेरी मम्मी उस प्रैंक को करने वाली है, तो देखते हैं कितना मजा आता है। आज कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, आज मम्मी इन्वॉल्व होने वाली है प्रैंक में, सो प्लीज बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस प्रैंक को एंड तक देखें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको प्रैंक कैसा लगा, नाचने का क्या रिएक्शन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ हेलो, हाँ भाई फॉर्च्यूनर दिलवा दे, कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ तो 50 लाख की तो कह रहा हूँ। अरे वो कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी चलेगी। अब लड़की से क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद तो सबका वही हाल हो जाता है, दिमाग तो सबने खराब करना होता है। हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अलावा जो फंक्शन वंक्शन होने उसके खर्चे तो होंगे, गाड़ी बड़ी चाहिए। नहीं नहीं डिवोर्स विवोर्स का तो बहुत लंबा छोड़ा काम हो जाएगा, आपको होता है आजकल यार, दो भी कर लेते हैं, क्या हो गया क्या, बढ़िया था गुरु। लेना ही पड़ेगा, चल ठीक है कर लेंगे बात, दो चार महीने छह महीने में सगाई के बाद भी लगते ही। ठीक है, किससे बात कर रहे हो, किसका क्या सगाई करवा रहे हो, बात कर लेना एक बार, बात कर ले बता। हाँ हाँ छह महीने में हो जाता है। अरे किससे कर रहे हो बात, किससे बात कर रहे हो, एजेंट है, कॉमन एजेंट होते हैं, शादी करवा रहे हो, किसकी शादी करवा रहे हो, अपनी करवा रहा हूँ दूसरी शादी, क्यों, तेरा फॉर्च्यून वॉर्च्यून सब मिल जाएगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्च्यूनर के चक्कर में दूसरी शादी कर लोगे, कि आप थोड़ा टाइम पे करिए, आपने क्या बात करनी चाहिए थी हमसे, और आपका घर वर सब कुछ है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो आपको कमी थी, जो दिया था उसमें कमी थी, मैं बात कर ली, 50 लाख की आएगी, फॉर्च्यूनर अब तो 50 की होगी, 50-60 की होगी। आपका दिमाग खराब हो गया क्या, सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, नहीं आप सोच रहे हो क्या बोल रहे हो, क्या कुछ नहीं, फॉर्च्यूनर के पीछे मुझे छोड़ दोगे, दूसरी शादी कर लोगे, छह महीने बात करते हुए, किस लॉयर से, किस लिए, पका मत यार, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, किस लॉयर से, किस लिए बात कर रहे हो, जो तू ऊपर आ गई, तो बुलाया किसी ने, मैं सुन के आई हूँ, मेरे को सुनाई दे रहा था क्या आप बात कर रहे थे, काम कर लूंगी अपना, मेरे से रिलेटेड बात हो रही है ना, इसीलिए बात कर रही हूँ मैं कर रहा हूँ दूसरी शादी, कैसे करोगे, मैं दूंगी नहीं तलाक, शादी करूंगा, शादी में दुखी मिलना है, उससे बढ़िया फॉर्च्यूनर बैठ के दुख मनाऊंगा ना, बिल्कुल ही बेशरम हो गए, बिल्कुल ही बेशरम हो गए, शर्म बेच के खाली, बोल रहे घर का सारा फर्नीचर भी चेंज करा, फर्नीचर में इसमें कमी है, अभी बढ़िया फर्नीचर देंगे और फॉर्च्यूनर देंगे। अरे तो ये तो सोचो क्या बात कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी, बात अच्छी नहीं लगी तेरे को मेरी, मैं कहाँ जाऊंगी, तो मेरी बात अच्छी नहीं, तो सब बात बढ़िया होगी इसलिए अच्छी लगी तेरे को, तो मैं जाऊंगी कहाँ, नहीं रह लूं, क्यों रह लूं मैं यहाँ पे, मतलब क्यों रखूं दूसरी को यहाँ पे, जो करना करो यार, आप है ना दिमाग खराब मत करो, जब मैं तलाक ही नहीं दूंगी तो दूसरी शादी कहाँ से करोगे, मैं कर लूंगा अपने आप, जो मैं बताऊंगा ना वहाँ कोर्ट में जाके कि मेरे साथ क्या क्या होता है, क्या उत्पीड़न किया मैंने, क्या उत्पीड़न किया मैंने, अरे तो जब दूसरी शादी की बात करोगे तो बोलूंगी ना, उसके अलावा भी वैसी करती है, यही नहीं अभी और सुनिए, कैसे करती हो ऐसे, जैसे तो अभी कर रही है, उसके अलावा मेरे सिर पे क्या सींग लगे हुए हैं कि जो आप प्यार से बोलोगे, और मैं दिमाग में तो है सींग, तो आप मेरे से प्यार से बोलोगे और मैं आपके साथ उत्पीड़न करूंगा, तो मरखनी का है, क्या होता उत्पीड़न, दिमाग खराब करने वाली बात मत करो, ये रोज की रोज क्या, अभी आप दूसरी शादी का एक नया बहम पकड़ लिया, फॉर्च्यूनर आ रही, फॉर्च्यूनर के चक्कर में बीवी को छोड़ता है क्या कोई, नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ मत छोड़ो,
रहेगी आराम से। अरे तो मैं क्यों रहूंगी दूसरी के साथ? प्यार से रहेगी तो रहेगी होगी। क्यों रहेगी प्यार से? मेरे को तो नहीं रहना। तो फिर कैसे रहेगी? मेरे को तो नहीं रहना, मैं तो नहीं रह सकती। मत रह। जब मम्मी मेरे फेवर में गवाही देगी ना तब आपको पता लगेगा। अभी बुला के लाती हूँ। बहुत बड़ी गलत फहमी। आज पड़ोसी भी नहीं देंगे तेरे फेवर में। क्यों नहीं देंगे? मैंने क्या कर रखा है? सबको पता है। अच्छा तूने कर रखा है? अभी मम्मी को बुलाती हूँ ना, अभी पता लग जाएगा। जब असलियत खोलने की बारी आएगी ना तो सबसे पहले तू आएगी। तेरे घर वाले भी नहीं तेरे फेवर में। ये देख लेना, तेरे घर वाले भी फेवर में नहीं। मेरे घर वाले कहेंगे मामा जमाई को दूसरी शादी कर लो। हाँ वही कह रही हूँ की दी बॉस लेके दूसरी शादी कर ले तो यूँ कहेंगे मेरे घर वाले। उत्पीड़न का तो मना नहीं कर सकते। क्या उत्पीड़न कर दिया? क्या होता उत्पीड़न? अभी मैं मम्मी को बुलाती हूँ ना, जब आप टिकेंगे ना तो जब पता लगेगा आपको। ये फंस गया सी है। देख मम्मी जी क्या ड्रामा मचा रखा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? आवाज आ रही है कमरा तक। क्या हो गया? अरे मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। क्यों? दूसरी शादी मैंने बात करी, उन्होंने बोला आपके पास तो घर है, नौकरी है, सब है, आपको फॉर्च्यूनर से नीचे कोई गाड़ी नहीं मिली। 50 लाख की गाड़ी देने को तैयार है। ये कोई बात नहीं। साथ दूसरी शादी करने में बता। ठीक है तुम? ठीक है ना? ये क्या बात? कोर्ट में जाके यही बोलना है, बहुत मुश्किल है। ये क्या बात है? अभी तो दूसरी शादी की बात होगी ना। अरे मैं आपको इनको डांटने के लिए लाई थी, आप उल्टा इनकी फेवर में बोल रहे हो। ये क्या बात हुई? नई गाड़ी के चक्कर में मेरे को छोड़ दो और दूसरी शादी करवा दो। बस हवा निकल गई। बात डिवोर्स की है। डिवोर्स देना बनता है? दूसरी शादी क्यों दूंगी? डिवोर्स क्यों दूंगी? तो दुखी रखती है साथ, तो दूसरी शादी में बात करनी बनती है ना। क्या तो डिवोर्स की बना होगी नहीं? क्या दुखी रखा मैंने? क्या किया मैंने? क्या किया मन से पूछ ले। बताओ मैं घर का काम नहीं करती या फिर मैं कुछ वो और ऐसा काम करती हूँ जिससे आपको डिवोर्स लेने की जरूरत पड़ जाए और मम्मी भी आप ही के फेवर में बोल रही है? कैसे दे देंगे घर वाले दूसरी शादी की गवाही? दूसरी शादी कोई गवाही नहीं लगती, डिवोर्स ही कह रहा हूँ। कह देगा हाँ हमें तो पता है। मैं जब बताऊंगी रीजन की डिवोर्स क्यों ले रहे, जब ही तो देंगे। उस बारे बात ही नहीं करूंगा। अच्छा और मैं नहीं बताऊंगी? आप मुझे बात बताने से क्या होता है? मेरे बताने से होएगा क्यों नहीं होएगा? मैं बताऊंगी। वही तो उसके बारे में क्या बताऊं? मैं बताऊंगी कि दोनों मम्मी बेटा मिलके मेरे को कह रहे ले ले तलाक दे। तो मम्मी बेटा क्या ही थी, अब कह रही मम्मी बेटा मिलके कर रहे हो। तो मम्मी आपके से मैं बात कर ली ना, मैं क्या करूं? मम्मी जैसे कभी नहीं करती, पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। रिलैक्स करो। क्या रिलैक्स करो? तो आप कर लो अपना। अरे ये क्या बात हुई यार? ये कोई तरीका हुआ? दूसरी शादी करूंगा, मम्मी को अपने फेवर में ले लिया, अपने कौन सी गुड्डी खिलाई? पहले खिला दी होगी कोई गुड्डी। तू खिला के लाई गुड्डी? क्या गुड्डी खिलाई मैंने? मैं तो सिर्फ मम्मी को बुला के लाई ना। लड़ाई कर रहे हो आप मेरे साथ, आप यार दूसरी शादी करूंगा तो मैं बताऊंगी क्या करना। आराम से तुम रहोगी, घूम रही हो ना आराम से। ये क्या बात हुई? कितनी बढ़िया बात है। पूरा सामान दे रहा है, अरे तो सामान के चक्कर में बीवी को छोड़ देंगे क्या? दूसरी शादी कर लोगे? कैसी बातें कर रहे हो ना? बड़े तो दो कमरे में आराम से रहे ना। मैं रहूंगी नहीं यहाँ, मैं नहीं रहूंगी और ना मैं तलाक दूंगी, मैं करने नहीं दूंगी। ये क्या बात हुई? सामान नया मिल रहा है फॉर्चुनर, कल को और कोई नया सामान देगा आप तो तीसरी को भी उसको भी छोड़ के तीसरी ले आओगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? 50 लाख से ऊपर की तो कौन देगा गाड़ी? उसके ऊपर की तो नहीं मिलेगी। आपकी तो 50 लाख की भी वैल्यू नहीं है। देख, ना नहीं है। 11 लाख की वैल्यू थी जो दे दी आपको। What? अब 11 लाख की नहीं रही भाई, उस टाइम तनख्वाह बहुत कम थी। अब बड़ा मैनेजर बन रहा है। अब बड़ा मैनेजर। यार कैसी बातें कर रहे हो दोनों के दोनों यार, कैसी बातें कर रहे हो दोनों? परेशान मत दो दो चल बात बहुत जस्ट चिल दो दो रह रही होंगी मैं से ब्लॉग में भी चल जाए ब्लॉग ब्लॉग में जो अरे अपना काम करो ब्लॉग चल जाए ब्लॉग पर आ गई पान रो भी मिल गए मैं नहीं चाहिए मुझे चाहिए पर करेगी नहीं चले खाना बनाओ तो ब्लॉग नहीं बनाते इतने ब्लॉग चल रहे होंगे अपना काम करो मैं नहीं करूंगा ब्लॉग तो जान दे मैं नहीं करने दूंगी कोई दूसरी शादी साफ बता रही हूँ ना आपको करने दूंगी और ना मम्मी को आपके फेवर में बोलने दूंगी आपने पता नहीं कौन सी गुट्टी गाड़ी ले गई माँ
माँ तो मेरे फेवर में बोलेगी, तो माँ गलत चीज में थोड़ी साथ देंगी। तेरी माँ भी मेरे फेवर में बोलेगी और नहीं बोलेंगी। क्यों बोलेंगी? वो अपनी बेटी का कोई तलाक नहीं बोलेंगे, करवाएगा कोई तलाक अपनी बेटी का? करवाएंगे और बोलेंगे दुखी तो रखते पर तलाक देंगे। माँ तो नहीं बोलेगी। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, दोनों के दोनों, मम्मी भी ऐसी बोल रही है, आप भी ऐसी बोल रहे हो, ऐसे कोई शादी करता है क्या? चिल्लाते घुटने टिके इसके, अब आए ना लाइन पे, तो अब क्या करूँ? तो अब क्या करूँ भाई, हमारे तो इसी खुशी में खुशी है। ये तो कल को कहेंगे मैं तीसरी लेके आ रहा हूँ, तीसरी तो क्या कर रहेगा फिर कह देंगे आप ऑडी मिल रही है अभी तक तो फॉर्चुनर क्या ऑडी मिल रही है? ऑडी का लेवल है, ऑडी का तो लेवल है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पता है ना आपका क्या लेवल है? आपका 11 लाख का ही लेवल है, 11 लाख का ही लेवल है। यार ऐसे मत करो यार प्लीज, ऐसे कोई शादी करता है क्या? ऐसे पाँव पकड़ने कुछ नहीं होने वाला यार, मैं सारा काम करता हूँ। 5 साल पाँव ऐसे नहीं धुलते, एक बार पाँव पकड़ने से कैसे नहीं धुलते? तो आप मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? और मम्मी को तो काम का स्वाद आ रहा है, ऊपर का कर लेगी नीचे का कर लेगी, मैं करती तो हूँ सारा और कर लूंगी। सही है, और कर फिर ढंग से काम किया कर। हाँ मैं कर लूंगी ढंग से काम। प्यारी समझ गई काम करो अपना, सुधारो थोड़ा। हाँ ठीक है, तो ये कोई बात थोड़ी ना होगी, ये कहोगे की मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, दूसरी शादी करके फिर मैं कहा जाऊँ, मेरा बेटा कहा जाएगा? तो फिर आज की बात इतनी सी आवाज ऊंची नहीं ऊंची, आज की बात कोई लड़ाई नहीं। हाँ, अब आप कुछ भी करो तो फिर क्या मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी? नाराज करो जो मन है। अब ये तो ऐसे राजी है, दूसरी शादी की धमकी दे के दूसरी शादी की धमकी दे के आप सब नहीं क्या क्या करोगे फिर? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती कभी भी। क्या बात है, चल टाइम बर्बाद कर रहा है। अरे कहाँ यार, ये क्या बात हुई यार? नहीं ना प्लीज प्लीज अलंग जी प्लीज प्लीज नहीं ऐसे मत करो प्लीज यार, ये कोई बात तो नहीं हुई। आराम से तो ये कोई बात नहीं है, 6 महीने तक यार ये कोई बात थोड़ी हुई यार। अंदर यार ऐसे कोई दूसरी शादी करता है क्या? और मम्मी भी आपका ही सपोर्ट कर रही है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं कहाँ जाऊंगी यार, कहाँ जाएगा? अरे अरे वैसी कर रहे थे हम तो, क्यों घबरा रही है? वैसी कर रहे हैं? मैं तो सच ही कह रहा था, मम्मी कह रही कोई बात नहीं, कहते मजाक कर रहे। क्या आप सच में? मम्मी कह रहा था, पर मम्मी कह रही कोई नहीं, कहते जाके मजाक कर रहे। आप सच में दूसरी शादी कर रहे? कर रहे हैं दूसरे पढ़ ले दूंगी मैं। हाँ तो मैं पहले तुझे निकाले फिर दूसरे को पाने, एक साथ था ना क्या? प्रैंक शूट कर रही थी मम्मी, मम्मी आज भी मिल लेंगे के साथ, और तेरे उम्मीद है मैं न्यू कर लूंगी। मैं वही तो कह रही, मैंने तो पता नहीं कौन सी घुटनी पिलाई है, क्या किया है क्या नहीं किया है। मम्मी ने लगा रखा है। हाँ मैंने बोला इस बार मैं प्रैंक शूट करूंगी अंजलि के ऊपर। मैं वही सोचू, मैं इनका पता नहीं क्या हो गया, मम्मी अचानक से उल्टी बातें क्यों करने लग गई। मैं तो अपने मन की बता रहा था, मम्मी ने मेरे मन की। अब तुम एक है ना, हां तो एक तो तेरे मन की। ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, शेयर कर बेटा, चपाट चपाट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कह रही एक देख के नहीं भागी हुई अपने लिए बता। मेरे बेटा भी नहीं करने देता, मैं तो तेरा इससे चिंता का मेरा बेटा भी कह देता। चलो मम्मी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, आज तो बोलती नहीं है भाई। मजा आया, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और चैनल की घंटी जरूर। आजकल मम्मी भी इन्वॉल्व होने लगी राधिया में, मैं सच में रो रो दी।